जनपद इंदौर में सोमवार को MIG थाना क्षेत्र में 90 लाख रुपए बरामद किए एक सोना व्यापारी से यह रुपए पकड़े गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस ने एक कार चेकिंग के लिए रोकी तो चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। वहीं इस पर MIG TI ने मोटरसाइकिल दौड़ाकर रोकी और चेक किया तो कार से नोटों की गड्डियां बरामद हुई। SSP शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पूछताछ जारी है, आयकर विभाग को भी सूचना दी जा रही है। वहीं कार का नंबर MP09CX9570 है। पैसा विवेक ज्वेलर्स वालों का बताया जा रहा है। वहीं जो इस धनराशि के साथ पकड़ा गया उसका नाम वेंकटेश लड्डा बताया जा रहा है, जो कि पेशे से सेल्समैन है। साथ ही ज्वेलर्स मालिक का नाम निखिल सोनी बताया जा रहा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ब्रजेश जुनेजा की रिपोर्ट, इंदौर।